यार आप ऑफ लेट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को लेकर बहुत सारे न्यूज सुन रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन की वजह से ना अगले 6 से 8 महीने में पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। बट क्या सच में पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी? और इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है? एंड इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों के जवाब देंगे हम इस वीडियो में। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है? वेरी सिंपली पुट, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। यार अमूल का एक मिल्क आता है अमूल ताजा, हमने कभी ना कभी तो वो अपनी लाइफ में खरीदा होगा। 2017 में पर लीटर अमूल ताजा की कॉस्ट थी 39 to 40 rupees। 2022 सितंबर में उसकी कॉस्ट हो गई है 45 to 46 rupees, यानी कि 5 साल में 1 लीटर दूध जो अमूल ताजा का है उसकी कॉस्ट हो गई है 39 से 45 to 46 rupees। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ आ गया कि हाँ जनरल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये महंगाई आपको कैसे इम्पैक्ट करती है इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से। इसका भी एग्जांपल लेते हैं अमूल ताजा का। 2017 में आपको 100 रुपए में 2.5 लीटर दूध मिल रहा था, विच इज लाइक 100 रुपए डिवाइड बाय 40 रुपीज। 2022 में आपको 100 रुपए में 2.2 लीटर दूध मिल रहा है, विच इज लाइक 100 रुपए डिवाइड बाय 46 रुपीज। तो टेक्निकली 2017 से लेकर 2022 में 100 रुपए की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हुई है। 100 रुपए में आपको जितना दूध पहले मिलता था उतना अब आपको नहीं मिलता। इसे कहते हैं पैसे की वैल्यू कम होना। इन्फ्लेशन एक दीमक यानी कि टर्माइट की तरह होगी जो कि आपके पैसे को खोखला कर देती है एंड आपको पता भी नहीं चलता। इस टर्माइट का इम्पैक्ट आपको 2 से 4 साल में शायद समझ ना आए, लेकिन 15 से 20 साल में आपको पता लगता है। ठीक है, मान लिया इन्फ्लेशन से आपकी परचेजिंग पावर कम होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। But how is inflation related to stock market? Why is everyone saying that because of high inflation, Indian stock market will crash? Let's understand this. देखिए, ये तो आपको पता ही है कि stock market में 25 to 30% पैसा FIIs का होता है, यानी कि foreign institutional investors का। यानी कि Indian stock market में 25 से 30% पैसा तो बाहर का होता है। पहले ये देखते हैं कि ये पैसा कैसे बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं US investor का, जिसको हम अंकल सैम बोल सकते हैं, जिसने 1 जनवरी 2021 में $1,000 इन्वेस्ट किए इंडियन स्टॉक मार्केट में। 1 जैन 2021 में यूएस डॉलर की वैल्यू थी 73 रुपीज, यानी कि अंकल सैम ने $1,000 के हिसाब से 73,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं सेंसेक्स में। 1 जैन 2021 में सेंसेक्स वाज एट 48,000 पॉइंट्स। सो बेसिकली अंकल सैम इन्वेस्टेड 73,000 इन सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 2021 व्हेन सेंसेक्स वाज एट 48,000 लेवल। अब अंकल सैम ने डिसाइड किया अपना जो इन्वेस्टेड पैसा था उसको मार्केट से निकालने का ऑन June 30th, 2022 व्हेन सेंसेक्स वाज एट 53,000 पॉइंट्स। अप्रोक्सीमेटली इस 1.5 साल में सेंसेक्स 5,000 पॉइंट्स बढ़ गया था, फ्रॉम 48,000 टू 53,000 इज 10.5% इन 1.5 ईयर्स। सो अंकल सैम को 73,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसकी जगह मिले 81,000। बट शॉकिंगली अंकल सैम के जो रिटर्न थे वर मच लेस देन दिस। बट व्हाई इज दैट? क्योंकि अंकल सैम ने इन्वेस्ट किया था यूएस डॉलर्स में, तो उनको रिटर्न भी यूएस डॉलर्स में मिलेगा। ये रिटर्न 10.5% का तो इंडियन रुपीस है। देखते हैं यूएस डॉलर के हिसाब से अंकल सैम को कितना रिटर्न मिला। 1 जनवरी 2021 में यूएस डॉलर की वैल्यू वाज 73 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, एंड वो बढ़ के 30 जून 2022 में हो गई अप्रोक्सीमेटली 79 रुपीज। तो इंडियन रुपीज के हिसाब से अंकल सैम के 73,000 बढ़ के हो गई 81,000 रुपीज। लेकिन जैसे हम इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,025 US डॉलर। तो इस 1.5 साल में अंकल सैम के 1,000 डॉलर बढ़ के हुए सिर्फ 1,025 US डॉलर। इसमें अभी हमने ट्रांजैक्शन फीस एक्सेट्रा कंसिडर नहीं करी है। अगर हम ये सभी लगा देंगे तो मोस्टली उनका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में ही आएगा। इससे अच्छा तो अंकल सैम अगर US के किसी बैंक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते, वहां पर ही उन्हें 102% का इंटरेस्ट मिल जाता। देखिए, इसमें हमें यही देखना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालने का क्या रीजन है। देखिए, इन्फ्लेशन के चक्कर में ग्लोबल इकोनॉमिक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। यूएस के इंटरेस्ट रेट्स आर नाउ क्लोज टू 4% व्हिच वर 1% इन 2021। सो अकॉर्डिंगली यूएस अपने बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी के रेट्स बढ़ा रही है। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के हिसाब से काफी ज्यादा टूट रही है। 2021 से 2022 में ही कम से कम इंडियन करेंसी 9 से 10% टूटी है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ट्रेंड 2023-2024 में भी कंटिन्यू होगा। अगर सेंसेक्स 12% से ग्रो होता है तो यूएस में बैठा हुआ जो इन्वेस्टर है वो 12% माइनस जितना इंडियन करेंसी टूटती है उतना रिटर्न कमाता है। तो अगर सेंसेक्स 11 से 12% से ग्रो करता है, इंडियन करेंसी
9 से 10% पे टूटती है तो यूएस में बैठे हुए इन्वेस्टर का इफेक्टिव रिटर्न विल बी जस्ट 2-3%। जैसा कि हमने आपको बताया इन्फ्लेशन के चलते इससे ज्यादा तो कोई बैंक अकाउंट में या एफडी से ही कमा लेता है, तो इतना रिस्क लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। दिस इज व्हाई फॉरेन मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। चलो ये सब ज्ञान तो ठीक है, ये सब इन्वेस्टर्स को पता है, बट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 6-8 months? देखिए 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जब मार्केट में से पैसा निकलना शुरू होता है तो मार्केट करेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसका इफेक्ट हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, बट इन द नेक्स्ट 6-8 months इसका फुल ब्लोन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ऑल्दो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकल रहा है मार्केट से, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा लग भी रहा है मार्केट में, सो दैट इज व्हाई मार्केट इज मूविंग साइडवेज। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा सो मार्केट विल कंटिन्यू टू मूव साइडवेज। ऑल्दो 6 से 8 महीने में ज्यादा कुछ एप्रिसिएशन देखने को हमें नहीं मिलने वाला है, ईदर मार्केट विल गो डाउन और इट विल कंटिन्यू टू मूव। Also, video khatam hone se pehle, one important message. Please do not treat this as an investment advice. This is just our analysis on the current situation. Till then, be kind.